Welcome to my channel, Learning Made Easy. This video, I am going to present the chapter Smriti, which is for Grade Nine, and I'll be explaining the summary of this chapter in English as usual. So let's begin the summary. I begin here. Now, this summary is uh, been uh, divided into different parts with few subheadings. Okay. Now, Smriti is a chapter written by Sri Ram Sharma. Okay.

To give to post uh, to put some letters somewhere. Okay, now what it is, where to put, is it posting, or what is being done, who is taking it? Everything you'll know once I start explaining the summary of the chapter. Okay, let's see. Sun 1908 kibat hai. This is uh uh the time, the year mentioned here is 1908, okay. सर्दी बहुत भीषण थी सर्दी मीन्स इट वॉज़ वेरी कोल्ड इट वॉज विंटर टाइम एंड वेरी कोल्ड शाम के तीन चार बजे थे इवनिंग इट वॉज थ्री टू फोर फोर ओ क्लॉक थ्री और फोर ओ क्लॉक लेखक ग्यारह वर्ष का था लेखक दैट इज़ श्री राम शर्मा ओके okay? uh, लेखक वॉज एलेवन ईयर ओल्ड हेयर ओके दे देंग श्री राम शर्मा वज़ एलेवेन ईयर ओल्ड वह अपने साथियों के साथ झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था खा रहा था कि चढ़े कि बड़े भाई का बुलावा आ गया सो so, दे uh, बोर इज एक्चुअली फ्रूट बोर्न बाय अ ट्री ओके बोर यू मस्ट समू मस्ट भी नोइंग वॉट इट इज़ सो हियर द लेखक विथ हिज फ्रेंड्स दे आर एक्चुअली प्लकिंग दिस बोर फ्रॉम द ट्री एंड दे आर हैविंग इट वेन सडनली द ब्रदर ऑफ लेखक बड़े भाई एल्डर ब्रदर ऑफ लेखक कॉल्ड द कॉल्ड हिम ओके कॉल्ड द लेखक छोटा भाई साथ था सो नाउ यू हैव टू व्हाट यू हैव टू नोट हियर इज दैट लेखक हैज़ अ यंगर ब्रदर हु इज़ विथ हिम ओके एंड देर इज एन एल्डर ब्रदर हु इज़ कॉलिंग हिम नाउ ओके सो दीज आर थ्री ब्रदर्स उसे डर लगा कि घर में मार पड़ेगी किंतु नहीं बड़े भाई के हाथ में तीन चिट्टियाँ देकर कहा कि इन्हें मक्खनपुर डाक में dala so suddenly when the elder brother called uh, Lekha got scared maybe uh, he's he, i mean when coming from uh, school or from some wherever he was when coming from there he's here playing with friends and plucking boar. maybe he's going to get scolded from house for what he was doing but no there were letters there were uh, teen teen chitya, three letters were there in the hands of his elder brother and he was coming towards him and he the elder brother asks shri ram sharma that is lekhak to go to makhanpur it's a place over there nearby makhanpur Dakhana means post office go there and post this these letters okay this is what the elder brother asks the lekhak to do now this is the first uh, subcontent now this is here this is where the story begins now let's see what happens makhanpur ke raste mein panne wala kuwa now uh, the, on the way to makhanpur there is a kuwa कुआँ मीन्स अ वेल ओके लेट्स वॉट हैपन्स देट हवा ठंड में कम कपी पैदा कर रही थी इसलिए दोनों भाइयों ने कानों पर धोती बांधी इट वॉज़ वेरी कोल्ड एंड इट वॉज हिटिंग ऑन देर ईयर वे डेड दे टाइड टाइड अ धोती ऑन देयर हैड

डंडा लेकर भाई को साथ लेकर चल दिया नाउ लेखक दैट तरश्री राम शर्मा ही हैड केप्ट लेटर्स इन हिज टोपी इन हिज हैट ओके अंडर हिज हैट ही हैड कैप्टीज लेटर्स एंड अलोंग विथ हिज ब्रदर ही हैड अ स्टिक इन हिज हैंड डंडा ओके एंड देवर वॉकिंग वह अपने डंडे से कई सांपों को मार चुका था इसलिए उसे डंडे का बहुत सहारा था सो वाई ही इज कीपिंग द स्टिक इन हिज हैंड ही किल्स मेनी स्नेक्स ऑन द वे सांप मीन्स स्नेक्स ओके इन इन ऑर्डर टू किल दैम ही होल्ड द स्टिक एंड ही हैज़ ऑलरेडी किल्ड मेनी ओके बहुत सहारा था इट इज अ वेरी हेल्पफुल थिंग टू कीप स्टिक इन हेज़ हैंड इन ऑर्डर टू किल दीज स्नेक्स विच कम्स ऑन दे वे दोनों उछलते कूदते चार फरलाक की दूरी पर पार करके उस कुएं तक पहुंच गए जिसमें एक काला सांप पड़ा हुआ था सो नाउ दे वो तक उछलते कूदते मीन्स वर प्लेइंग एंड वॉकिंग एक्चुअल वर कीपिंग ऑन वॉकिंग एंड दे दे हैव रीच द प्लेस वेदर देट दिस कुआ इज़ देयर ओके दिस वेल इज देयर दैट सी वॉट इज द स्टोरी ऑफ दिस कुआ लेखक अपने स्कूल के साथियों के साथ कुएं में पड़े हुए सांप पर डेला ज़रूर मार मारा करता था डेला मीन्स हिट ओके

ओके वेन एवर इट इट हियर्स दिस स्टिक बींग हिट इन साइड द वेल्ड इट मेक्स अ साउंड द स्नेक इस खेल से उसे तथा उसके साथियों को बहुत आनंद आता था सो ही एंड हिज फ्रेंड्स बिकम वेरी हैप्पी वेन वी वैन दे सी दिस वैन दे सी दैट वैन दे हिट द स्टिक एंड द स्नेक गेट्स केयर दे आर वेरी हैप्पी सी इंग दैट ओके दिस इज़ हाउ पीपल इन विलेज एक्चुअली बिकम हैप्पी आई मीन नॉट पीपल बट किड्स इन विलेज एक्चुअली दे दिस इज हाउ दे एन्जॉय दे एंजॉय द नेचर लेट्स द नेक्स्ट पैराग्राफ चिट्टियों का कुएं में गिरना ना लेट्स इज गोइंग टू फॉल इन द कुआ इज गोइंग टू फॉल इन द वेल जैसे ही कुआं सामने आया लेखक के मन में सांप की फुसकार का मजा लेने की बात आ गई सो दे ही वॉज गोइंग टू मखनपुर राइट ऑन द वे दिस वेल इज देयर सो हीज़ विद हिसॉल यंगर ब्रदर नाउ वेन ही रीचिज दिस पर्टिकुलर कुआँ वेल ही सडनली थिंक्स अबाउट यू नो हैंग एन्जॉइंग दैट Uh, by hitting the stick inside the well and making the snakes scared, suddenly he felt I should do this now. I want to enjoy this. He took the dela in order to hit inside the kuwa, and uh, along with that, what he did, he removed his topi. Topi means the hat which was on his head. Now we have to remember those letters were inside this hat. परंतु ओ टोपी के नीचे रखी हुई तीनों चिट्टियाँ कुएं में जा गिरी वेन ही रिमूव द हैट ऑल द थ्री लेटर्स विच व द हैट इट फेल इन टू द वेल चिट्टियाँ बहुत जरूरी थी एंड दीज लेटर्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज समथिंग गिवन बाई हिज एल्डर ब्रदर लेखक के होश गुम हो गए उसे भाई की पिटाई का डर था लेखक बिकेम वेरी स्केयर्ड नाउ ही वॉज स्केयर्ड ऑफ भाई का पिटाई मीन्स बीटिंग्स ऑफ हिज Elder brother, that is what he feared the most. Dono rone lage. Both the brothers started crying. Lekak and his younger brother. Lekak ko maa ki santona ki yaadai. Ya, ya laga ki ghar jaakar bhai ko polde. Suddenly he remembers his um, mother who is going to be very, you know, very merciful and very good to him. That is how he remembers his mother. That she is going to be very kind no matter what. And uh, and he thinks I will go home and uh, say some kind of lies to माई एल्डर ब्रदर ठीक है झूठ मीन्स लाइज पंद्रह मिनट तक सोचता रहा ही वॉज थिंकिंग टिल फिफ्टीन मिनट्स वॉट वॉट विल आई डू वॉट शुड आई डू भाई की पिटाई का डर सामने था और जिम्मेदारी की भावना भी थी एंड ही वॉज़ केयर्ड ऑफ भाई की पिटाई द वीटिंग्स इज गोइंग टू गेट फ्रॉम हिज बड़े भाई हिज एल्डर ब्रदर एंड ऑल्सो जिम्मेदारी मीन्स ही ऑल्सो वॉज केयर्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हैड एंड हाउ ही कुडेंट टू एक्चुअली फुलफिल दट रेस्पांसिबिलिटी ओके लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ कुएं में उतरने का इरादा नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज अबाउट हिज ही इज थिंकिंग अबाउट एंटरिंग इन टू द वेल ओके गोइंग डाउन इन साइड द वेल लेखक ने निर्णय किया कि वह कुएं में घुसकर सांप को मार डालेगा तथा चिट्टियाँ उठा लेगा सो सडनली ही थिंक्स दैट आई एम गोइंग टू गेट इनसाइड द वेल आई विल किल द स्नेक एंड टेक दोज लेटर्स That is the only way, uh, you know, he is going to do. That is the only way he can get those letters. Bhayankar nirnay tha. Nirnay means decision. Bhayankar nirnay means it is going to be a very fearful decision because there is snake inside. And beating, getting inside the well and killing that snake is not a very easy thing. Chota bhai rone laga. Now thinking this, the younger brother started crying because he was scared. They don't know what is going to happen. परंतु उन्होंने अपनी अपनी धोतियाँ उतारी नो दे डिड दे रिमूव द धोती विच दे हैड टाइड ऑन देयर इन ऑर्डर टू कवर देयर एंड ऑल दे टिमूव बोथ ऑफ देयर कानों पर डकी धोतियाँ भी उतारी ओ दे दे एक्चुअली रिमूव द धोती विच वर वेयरिंग एंड ऑल्सो द धोती विच दे हैड टाइड ऑन देयर कान ऑन देयर ईयर्स उन्हें एक दूसरे से बांधा तथा एक उसमें रस्सी बांधकर काफ़ी लंबा कर लिया So, what they did, they tied all these dhoti together in order to uh, go down inside the well. He's doing this, okay? They tied all the dhoti together, and also on the one, one end, rasi means rope was also tied in order to make this uh, uh, this thing with which they are going to enter the well In order to make it long, they also tied a rope. On one end, they actually uh, uh, tied a danda. Danda means a stick. ओके okay? और कुएं पे लटका दिया मीन्स दे हैंगड इट समवेयर ओके कुआँ मीन्स वेल ऑन द सम सम पार्ट ऑफ द वेल दे हैंगड इट ओके दूसरे सिरे को चरसपुर की लकड़ी के साथ लपेट कर दिया द अदर एंड दे एक्चुअली टाइड ऑन सम ट्री ओके चरसपुर की uh, चरसपुर की लकड़ी मीन्स चरसपुर इज एक्चुअली अ ट्री अ प्लांट एंड ऑन इट्स ब्रांच दे टाइड वन एंड एंड द अदर एंड दे हैंगड ऑन द कुआ नाउ दिस हैंग्ड एंड विल बी टेकन विल बी हेल्ड बाय लेखक इन ऑर्डर टू गेट द दैल उसका सिरा छोटे भाई को पकड़ा दिया अब लेखक कुएं में उतारा छोट उतरा छोटे भाई रोने लगा लेखक ने उसे भरोसा दिलाया पहले भी उसने कई सांप मारे थे नाउ दे आर गोइंग टू सॉरी नाउ लेखक ओनली लेखक इज गोइंग टू एंटर द वेल सो द यंगर ब्रदर स्टार्टड ड्राॅइंग आई मीन द लेखक said that you don't worry i have already killed many snakes before so i'll come back without you know without any kind of uh, nothing will happen to me i'll come back you don't cry let's see next next is that is uh, the author is inside the well let's see what's happened what happens dhoti now holding those dhoti विच विथ विच एज आई सेड अर्लियर दे हैड टाइड ही इज गेटिंग इन साइड द वेल अभी वह धरातल से चार पाँच फुट ऊपर था कि उसे फन फैलाए लहराता हुआ सांप दिखाई दिया ही वॉज जस्ट फोर टू फाइव फुट अबाउ फ्रॉम द धरातल फ्रॉम द लैंड ओके ऑफ द कुआं दट ही कुड लिसन एट ही कुड सी दांप द स्ने स्नेक फन फैलाए मीन्स द स्नैक वेन इट स्प्रेड इज हेड एंड यू मस्ट है He could see that uh, uh, snake waiting for him over there. Uh Asan asan me beta. Asan is actually different positions in yoga. So this is a this is a position which is being set for a snake. You, you must have understood how it sits with its head up and all the body actually rolled around on the land. And this is how the snake is sitting over there and how Laker can see the snake. लेखक बीच बीचों बीच उतर रहा था डंडा नीचे लटक रहा था कुएं का धरातल अधिक चौड़ा नहीं था इसीलिए उसे मारने के लिए नीचे उतरना ज़रूरी था उसे अपना पाँव सांप से कुछ ही फुट की दूरी पर रखना पड़ा सो न लेखक इज़ गेटिंग इन साइड द वेल एंड देर सेट द वेल इज नॉट वेरी ब्रॉड इट्स एल बिट नैरो इज़ नो मच प्लेस इन इट्स लैंड ऑन द बॉटम पार्ट ऑफ द वेल सो without

before uh, putting his hand on the sorry putting his his foot on the land he kept it somewhere on the uh, on the on the en uh, end of the kua. Hmm? very on the wall of that kua, on the wall of the well he kept his foot now what happens with that the mitti which was there on the wall of uh, the well mitti means sand it actually fell inside the well hmm? Lekha ke paav deewar se hat gaya and when the uh, the as the sand actually get in gets inside the well, lekhak's foot hmm, also got uh, separated from the wall. He was actually standing on the wall of the well, it got separated. Now within few time, within few minutes, he kept his foot on the ground. Okay? I hope I'm clear till here. He uh, first he was not on he was not standing on the uh, bottom part of the well okay not on the land of the well he was keeping his foot on the wall hmm? and that is when the sand some sand which is there it falls inside the well and his uh, leg also got separated from the, well, uh, wall, wall, on the wall of the well hmm? and now within few minutes he keeps his foot on the land very close to the snake okay let's see then what happens ओके okay, अब दोनों आमने सामने थे या okay? सॉरी yeah, अब दोनों आमने सामने थे मींस बोथ द एंड लेखक वाज वेरी क्लोज दे वर इन फ्रंट ऑफ अदर आमने सामने वे एक दूसरे को देख रहे थे दे वर बोथ लुकिंग एट ईच अदर लेखक एंड द स्नेक लेखक ने सोचा कि वह स्वयं आक्रमण नहीं करेगा समस्या ये थी कि नीचे इतनी खुली जगह नहीं थी कि डंडे को घुमाया जा सके बस अब एक ही तरीका था कि सांप को कुचल डाला जाए परंतु ये खतरनाक था सो न वॉट हैपन्स लेखक इज थिंकिंग इन इज माइंड ओके आई एम नॉट गोइंग टू हिट द स्नेक First, okay. I'm not going to start the fight uh, as soon as I reach there. I mean, now itself, I'm not going to start the fight. I'm not the, going, going to be the first person who's going to hit the snake. Now, Samasya Yeti. Now, the problem was, Dundee gumaya Jasaki itna there was no much place inside the well as Lekhak had thought in order to hit the snake you know there, you need some place of course when you hit the snake the snake is going to move and then again you have to hit you need some place for that otherwise what happens is when you just hit and the snake comes and bites you and then the story ends actually so you need some place inside to in order to kill the snake but that was not there now this is what here reaching inside the well लेखक इज़ थिंकिंग वॉट टू डू अब बस एक ही तरीका था कि सांप को कुचल डाला जाए परंतु यह खतरनाक था नाउ दर इज़ ओनली वन वे इन ऑर्डर टू दर इज ओनली वन वे यू हैव टू किल द स्नैक और यू हैव टू हिट द स्नैक बट दैट वॉज वेरी खतरनाक इट वॉज वेरी डेंजरस ओके लेट सी वॉट हैपन्स नेक्स्ट सांप का आक्रमण ओके द अटैक ऑफ स्नैक लेट सी लेखक ने देखा कि चिट्टियाँ नीचे पड़ी थी उसने डंडे से चिट्ठी को सरक सरकाना शुरू किए शुरू किया सांप ने अपना फन पीछे कर लिया परंतु जैसे ही डंडा चिट्टी के पास पहुंचा सांप ने डंडे पर जोर से डंक मारा सो नाउ लेखक कुड सी द देवर लेटर्स इन साइड आई मीन क्लोज टू हिम अ लिटिल देयर उसने डंडे से चिट्टी को सर सरकाना शुरू किया ही स्टार्टेड ट्राइंग टू टेक द लेटर्स विद द स्टिक इन हिज हैंड ठीक है okay? सांप ने अपना फन पीछे कर लिया नौ वॉट द स्नेक डिट वॉज ही वेंट अ लिटल बैकवर्ड परंतु जैसे ही डंडा चिट्टी के पास पहुंचा बट एज सून एज द स्टिक रीच्ड क्लोज टू द लेटर्स सांप ने डंक मारा सा दिट दिक्स इट ड मारा मीन्स इन इट वॉट वी कैन सेज विथ हिज माउथ ही जस्ट हिट ऑन दिट ऑन द स्टिक एट फर्स्ट द स्नैक एक्चुअली मूव बिट बिहाइंड बट वैन द स्टिक रीच द लेटर इट हिट ऑन द स्टिक डर के हमारे लेखक के हाथों से डंडा छूट गया नाउ लेखक गॉट वेरी स्कैड वैन द स्नेक एक्चुअली हिट ऑन द स्टिक विंग स्केड हीचुअली द स्टिक फेल फ्राम हिज हैंड वह खुद भी उछल पड़ा उसने देखा कि डंडे पर तीन चार जगह डंग के निशान थे ही गॉट वेरी स्कैर लेखक गॉट वेरी स्कैर एंड ही सॉ दैट देवर देवर साइंस मार्क्स ऑफ दिस स्नक ऑन द स्टिक द स्नेक एज हिट हैड हिट ऑन द स्टिक लेखक सॉ फ्यू मार्क्स ऑन द स्टिक नाउ द लेखक वॉज वेरी स्कैड यह संघर्ष सुनकर ऊपर खड़े भाई की चीख निकल गई नाउ यू नो लिसनिंग टू दिस फाइट विच इज़ हैपनिंग इन साइड द वेल बिटवीन स्नेक एंड लेखक छोटा भाई हु हुई वेटिंग आउटसाइड द यंगर ब्रदर हु इज़ वेटिंग आउटसाइड गॉट स्कैड एंड ही सडनली स्क्रीम लाउडली चीख मीन्स ही स्क्रीम लाउडली बिकॉज ही वॉज वेरी स्कैड उसने सोचा कि लेखक का काम तमाम हो गया सडनली द एल्डर ब्रदर थाट लेखक हैज़ डाइड इन साइड काम तमाम मीन्स ही हैज़ डाइड दैट इज वॉट हैज हैपन जस्ट नाउ अगली बार लिफाफा उठाने पर सांप बार करने के साथ साथ डंडे से लिपट गया नाउ नेक्स्ट टाइम वॉट हैपन्स अलॉन्ग विद यू नो अगली बार लिफाफा उठा लिफाफा मीन्स एनवलअप ओके इन विच द लेटर्स एकेप्ट लिफाफा उठाने पर सांप वार करने के साथ साथ डंडे से लिपट गया नेक्स्ट नेक्स्ट वॉट वॉज हैपनिंग वेन अगेन लेखक वजू टेक द लेटर्स अलॉन्ग विथ हिटिंग द स्टिक द स्नैक एक्चुअली रोल्ड ऑन द स्टिक ओके लिपट गया मीन्स इट रोल्ड ऑन द स्टिक स्टिक लेखक ने सहम कर डंडा अपनी ओर खींच लिया नो वॉट लेखक डिड ही स्लोली वाइंग टू पुल द स्टिक आउट फ्रॉम द स्नैक उसका हाथ सांप को छू गया एंड वेन ही वॉज डूइंग दिस एज द सांप एज द स्नैक हैड रोल्ड ऑन द स्टिक वेन लेखक वॉज ट्राइंग टू पुल द स्टिक हिज हैंड एक्चुअली टचड द स्नैक स्लाइटली वह बहुत ठंडा था द स्नैक वज़ वेरी कोल्ड अचानक उसने डंडे को परे पटक दिया इस बीच उसे चिट्टियाँ उठाने का अवसर मिल गया उसने चिट्टियाँ धोती में बांध दी ना वट ही डिट ही थ्रू द स्टिक ऑन द ground okay this on the stick there the snake had rolled himself on the stick and the same stick uh, lekhak had threw it on the ground and since the snake had fell there within this time lekhak took the letters and tied with his dhoti tied in his dhoti okay in th this time where he had left the stick over there and the snake had fall fell there within this time he actually took the letters and tied it in his धोती कुएं में वो कुएं से बाहर आना ना नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट मोटिव इज टू कम आउट ऑफ द वेल ओके ही हैज़ गॉट द लेटर्स ही हैज़ टू कम आउट अब प्रश्न था कि डंडा कैसे हाथ आए सांप फन निकाल निकाले बैठा था लेखक ने कुएं की मिट्टी को दाई और फेंका सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू टेक द स्टिक फ्रॉम देयर ओके द स्टिक विच ही हैड थ्रू विद द स्नेक हाउ टू टेक दैट स्टिक सांप फन निकाले बैठा था नाउ सांप है देर पुटिंग हज टंग आउट ओके स्टिकिंग हिज टंग आउट सांप वाज़ सिटिंग देर स्नैक वो सिटिंग देर लेखक ने कुएं की मिट्टी को दाई और फेंका ना वॉट लेखक डेड वॉज द प्लेस वेर स्नैक वॉज सिटिंग ऑपोजिट टू दैट प्लेस ही थ्रू सम ओके सम सैंड ही थ्रू ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ स्नेक सांप उस पर झपटा सो व्हेन ही थ्रू दैट सैंड ऑन वन साइड सांप एक्चुअली वेंट टू दैट साइड ओके द साइड वेर लेखक हैड थ्रू द सैंड टू दैट साइड सांप दैट इज स्नेक हैट गॉन टू दैट साइड लेखक डिड दिस टू डिस्ट्रैक्ट द स्नेक एंड द स्नेक गॉट डिस्ट्रैक्टेड ओके लेखक ने बाई और उसे डंडा झपट लिया नाउ वेन सांप वेन टू दाई और फ्रॉम बाई ओं ओके दिस इज द नेक्स्ट साइड लेखक टुक द डंडा नव बाई ओर पे डंडा था द स्ट्रिक वॉज ऑन द बाई ओंर एंड सो ऑन द अदर साइड लेखक हेट पुट द सैंड सो दैट स्नैक गॉट डिस्ट्रेक्टेड एंड वेंट टू दैट साइड सो दैट लेखक फ्रॉम दिस साइड ही टुक द स्ट्रिक विद इन दैट टाइम सांप ने पलट कर वार किया बीच में डंडा होने के कारण लेखक बच गया नव वट सांप डिथ स्नेक ही अंडरस्टुड ही turned Suddenly he turned. He was coming to hit the lekhak but since there was stick between lekhak and snake, lekhak got escaped. Okay? अब ऊपर चढ़ना आसान था. Now it was very easy to come outside. परंतु हाथों के सहारे 36 फुट चढ़ना कठिन था. So this well was 36 foot feet. इन डेप्थ सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कम आउटसाइड लेखक हाथों के सहारे फिफ्टीन ट्वेंटी फुट की ही चढ़ सकता था फॉर लेखक इट वॉज़ पॉसिबल ओनली टू एक्चुअली क्लाइंब फिफ्टीन टू सिक्सटीन फुट द विथ हिज बेयर हैंड्स आफ्टर दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम परंतु वह जैसे तैसे चढ़ गया बट हाउ एवर ही सम हाउ क्लाइंब द वेल बाहें भर गई छाती फूल गई मीन्स इज लाइक वी से यू नो वैन वी हैव डन समथिंग वेरी बिग आर शोल्डर्स गो अपवर्ड्स लाइक वी से यू नो वी जस्ट लीव दैट सांस आर ब्रेथ वी जस्ट लीव दम थिंकिंग दैट आई हैव डन दिस धोकनी धक धक कर रही थी ऊपर आकर कुछ देर तक वह बेहाल होकर पड़ा रहा आफ्टर क्लाइंबिंग दिस बिग यू नो डीप वेल वैन ही रीच्ड अप ही वॉज सिटिंग देयर फोर फ्यू टाइम्स Few minutes he was sitting there in order to take some rest because what has happened just now, okay, and how much he had uh, climbed just now. In order to take rest, he was sitting there for some time. So, suddenly, Lekhuk sees that there was some other boy who was watching them. सो लेखक वेंट हिम एंड सेट ही गेव सावधान किया मीन्स ही गेव हिम अ वार्निंग दैट यू शुडन टेल दिस घटना दिस दिस थिंग दिस सिटन दैट हैज जस्ट हैपन्ड टू एनी वन ओके यू शुडन से दिस घटना टू एनी वन सन नाइनटीन फिफ्टीन में लेखक ने यह घटना अपनी माँ को सुनाई तो उसने भरी आंखों में उसे अपनी गोद में बिठा लिया ना आफ्टर फ्यू ययर्स वेन लेखक हैज सेट द स्टोरी अबाउट वॉट हैड है शेयर इट विद हिज मदर His mother's eyes were filled with tears, and he she took him. She took Lekak in his in her lap. Godme uthana means she took her. She took him in her in her lap. So this was the end of the story. This is not so interesting story or, story or something. It's just that situation that uh, happened in Lekak's life and which is sharing here uh, this lesson is a bit difficult to understand of course but it's a very easy lesson there is nothing much in this chapter actually there's just a snake and there's a lake who is trying to take the letters and that's all it's not very difficult and i had done this video because i had got many requests to do this chapter and uh, I hope it's been clear. But still, if you have any doubt when I was explaining, if any part you, it was not clear to you, or if you didn't understand, please mention that in the comment section. I say all these things in the uh, end of the video so that you can just uh, close my video if you don't want to watch. I mean, if you don't want to hear what I'm saying at the end. But if I say all these in the beginning, I know people just open the video and you want to directly to see the video and not asking you to share and subscribe the channel. So I've kept it in the end of the video. So anyways, thank you so much for all the love and support you give me. I am so happy you people share and really my subscribers are increasing because you're sharing. So keep sharing and supporting me. Thank you so much. And if you really want any other chapters to be explained, I have already some in my list, which I've got from people, uh, kids who really ask me, students who ask me to explain. And still, if you have any other chapters to be explained, please mention that too in the comment section. Thank you for watching my videos. Bye bye.